जाना पहचाना चेहरा तो एक रजत दलाल ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना चाहते हुए भी वो बंदा दिख जाता है। एज अ होस्ट मैं कह सकता हूँ कि थोड़े से मेरे को अच्छे नहीं लगते। सलमान भाई जो है हमारे, आई एम हिज बिगेस्ट फैन। कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस की हुई शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मनोरंजन और आपके साथ मैं हूँ लक्षिता अरोड़ा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल बिग बॉस सीजन 18 की शुरुआत हुई है। सीजन को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए हैं और आते ही धमाके होने लग गए। सो लेट्स सी कि लोग उसको कितना देख रहे हैं, कितना नहीं देख रहे हैं और कौन सा कंटेस्टेंट उनका फेवरेट बना है। आइए फिर जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है, काफी लोग कहते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, आपको भी ऐसा लगता है क्या? शायद पक्का नहीं, बस जेन्युइनली स्क्रिप्टेड रहता ही है। बताओ कैसे कैसे? अब पिछली बार नहीं देखा था आपने, फोन्स वगैरह दिखाए गए थे उसमें, बहुत सारी चीजें हुई नहीं पिछली बार, बहुत कौन इस बार का बताओ, पिछली बार का तो छोड़ो, तभी तो स्टार्ट हुआ ना, जैसे चलता जाएगा अभी तो पता चलेगा अपन को, तभी स्टार्ट हुआ। इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ स्क्रिप्टेड हो सकता है? वो तो हर बार ही रहता है मैम, इस बार ही अलग से थोड़ी है कुछ। अच्छा, काफी सारे लोग कह रहे थे कि बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड होता है, आपको भी ऐसा लगता है? नो कमेंट्स, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता ऐसा? इस बार मैं आपको बताती हूँ, जो थीम है ना इसमें पहले से ही टॉप 2 कंटेस्टेंट बता दिए गए हैं। सो लगता है आपको कि अगर पहले से ही टॉप 2 बता दिए हैं तो फिर बाकी क्या करेंगे? मैंने कभी रिसर्च नहीं करी तो मैं इसके सामने कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। एपिसोड नहीं देखा? एपिसोड देखा है लेकिन मेरे को ऐसे कमेंट करना, एपिसोड देखा है लेकिन आपको थीम नहीं पता? हाँ, कमेंट करना मेरे को ऐसा सही नहीं लगता, बोलना नहीं चाहते, नहीं बोलना चाहते। अच्छा, इस बार ये थीम है कि पहले से बिग बॉस ने टॉप 2 अनाउंस कर दिए, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, मैंने जितना मतलब फॉलो किया है बिग बॉस को, मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को लगता है कि बिग बॉस का ये जो थीम है ना, मोस्टली तुम्हारे 2 से 3 हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने किस सीरीज से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो उन्होंने उस समय भी क्वीन वाला एक कॉन्सेप्ट निकाला था बिग बॉस 13 में, जब सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज वगैरह आए थे, तो उसमें वो अमृता राव कौन थी, वो गदर वाली हीरोइन, वो आई थी क्वीन बन के घर की। हाँ, तो वो घर की जब क्वीन बन के आई थी तो वो 2-3 हफ्ते ही चला था कॉन्सेप्ट, और वो खुद भूल गए थे बिग बॉस के मेकर्स की हमने ऐसा कुछ मतलब कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था और हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलने वाला आई गेस, एक महीने चलेगा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद जो है फिर कंटिन्यूटी चलेगी और जैसा होता है वैसे ही होगा बिग बॉस में। अभी घर के अंदर और भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही है, तो क्या लग रहा है, फेक लड़ रहे हैं या जेन्युइन में लड़ रहे हैं? नहीं, वो तो फेक ही है। फेक लग रही है? फेक है। क्या लग रहा है, रजत जीत सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जीत सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, he will win। लेकिन इस बार बिग बॉस ने तो गेम पलट दिए, टॉप 2 पहले से अनाउंस कर दिए, तो क्या लगता है फिर रजत जीत पाएंगे ऐसे मौके पर? अभी चांस तो है, और देखो आगे चल के क्या होता है, पता चलेगा। वो मैम, वो तो सारी वो तो टीआरपी स्टंट रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता मोस्टली। ये जो पहले से टॉप 2 बताया है, ये हो सकता है चेंज हो जाए, मतलब तो चेंज ही होगा। हमने ये भी तो करा था कि कोई ये कहना जो आएगा वो तुरंत ही चला आएगा, क्या नाम था उस लड़की का, एक जो आई थी, उनने फिर जेल में पहुंचा रही, दो जेल में पहुंचाने में वो हो जाओगे तो आप सेव हो जाओगे। हाँ शायद, हाँ चाहत चाहत। कौन फेवरेट है आपका? रजत दलाल। आपका? हाँ रजत दलाल। क्यों रजत फेवरेट है? क्योंकि वो किसी से दबता नहीं है, दबा देता है। और कोई कंटेस्टेंट नहीं मैम, वही फेवरेट है। और क्या है कि वो क्या है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, और उसके बाद भी जो भी वो बात करता है, जेन्युइन बात करता है, ज्यादा बात नहीं करता। अच्छा, अभी हाल फिलहाल रजत की लड़ाई भी हुई थी तेजेंद्र सिंह बग्गा के साथ, तो क्या लगता है इसमें कौन आपको गलत लगा, कौन सही लगा? नहीं मेरे को इतना मालूम नहीं है, उनको टीज कर रहे थे ना बार बार। टीज क्या कर रहे थे, नॉर्मली तो बोल रहे थे। नहीं ना, तो उन्होंने गलत तरीके से उनको बोला ना, क्या इतने प्यार से तो पूछ रहे थे। नहीं नहीं, तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर ही ऐसा है ना। हाँ, ऐसा मतलब बिहेवियर ऐसा है कि कोई भी जरा सा प्यार से बात करेगा तो उनको भी सुना दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। गाली भी दी उन्होंने, मैंने देखा एपिसोड में। अच्छा, तो गलत नहीं देखा ना, मैंने पूरा नहीं देखा। देखा है लेकिन पूरा नहीं देखा। ऊपर से देखते हो क्या? जी मैम, जरा डीपली जाने का प्रयास नहीं करते। अच्छा है, डीपली नहीं जा रहे तभी आपको मुद्दे नहीं पता। अच्छा, मैंने देखा कि अभी तेजिंदर बग्गा और साथ में रजत दलाल की लड़ाई हुई है, तो वो क्यों हुई, आप बताना चाहोगे? मैंने यही देख रहा था, मैं आज ना जिम करते हुए बिग बॉस लगा रखा था कान में और बस सुन रहा था, क्योंकि इसमें तो देखने लायक कोई चीज तो होती नहीं, बस सुनते रहो लड़ाइयाँ। तो उसमें ना तेजिंदर बग्गा ने
रजत दलाल के रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में पूछ लिया कि वो आप स्पीडिंग करते हुए जा रहे थे कार और आपने गाड़ी ठोक दी थी, किसी की बाइक ठोक दी थी, वो बंदा गिर गया था, तो रजत दलाल ने पूछा कि आपने देखा था बाइक वाले को गिरते हुए? तजिंदर बग्गा कहता है हाँ मैंने देखा था। कहता है आपको पूरी दुनिया ने वीडियो देखी है वो, लेकिन किसी को बाइक से बंदा गिरता हुआ नहीं देखा, लेकिन आपको कैसे दिख गया? तो जिंदर वो जो बग्गा है बार बार कह रहा था कि नहीं मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है, आवाज़ आई थी, ये आया था, वो आया था। रजत दलाल जी भड़क गए जैसा कि वो भड़क जाते हैं। तो मतलब भड़कना उनका जायज था तब? मेरे को लगता है कि वो प्यार से भी समझा सकता था, क्योंकि सिर्फ बग्गा को नहीं, वो बग्गा जो है हमारी मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, क्योंकि जब हमने वो वीडियो देखा था तो हमें भी लगा था कि कोई बाइक से गिरा है ठोक करके। तो वो बेसिकली वही बोल रहा था कि भाई सबको यही लगा है कि बाइक से कोई गिरा है, आप बताओ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन वहाँ पर रजत खुद को वो कर रहा था कि नहीं मैं तेज चला रहा था गाड़ी लेकिन कोई गिरा नहीं था, और उसने जबकि वीडियो में ये भी बोला था कि ये तो मेरा हमेशा का है, ये तो होते रहता है, वो लड़की बैठी थी तो उससे उसने बोला था कि हमेशा का है, तो उसी को वो डिफेंड करने के चक्कर में भड़क गया। और उसने ऐसा भी बोल दिया कि तुम जैसे चूतिए लोग ही मेरे बारे में गलत गलत अफवाह फैलाते हैं, ऐसा बोलने लग गया था। वो जेल में था बग्गा, तो अगल बगल वाले जो घर वाले थे वो कह रहे मत बोलो चूतिया मत बोलो, तो कह रहा चूतिया मतलब मूर्ख होता है बेसिकली। बग्गा कहता नहीं, वो कह रहा रजत दलाल चूतिया कह रहा था बग्गे को। तो और उसने ये भी बोला कि मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो तुझे समझ नहीं आ रहा तेरे को, ये बीच में गेट है वरना तो तेरे को तोड़ देता अभी तक। तो मतलब दलाल भड़क गया है जैसा कि उससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लग रहा है कि टिकेगा कुछ दिन। पहले दिन जाके लड़ाई शुरू हो गई, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ सीजन पूरा। नहीं वो दलाल थोड़ा गुस्से में रहता है ना, जैसा कि उसने बना रखा है अपना बैड बॉय इमेज, तो मेरे को लग रहा है वो वही कंटिन्यू करने वाला है। इस बार जो बिग बॉस की थीम है वो आप लोगों को कैसी लग रही है? थोड़ी डिफरेंट है पहले से, कुछ चेंजिंग की गई है उसमें। अच्छी है थीम? नहीं ठीक है, मतलब मीडियम मानो बीच की। अरे बिग बॉस वाले में हम इतना पैसा खर्च करते हैं, सीधी बात अच्छी तो होगी। फिर भी पैसे खर्च करते हैं। क्या देखा अभी तक? रजत दलाल को देखा, बेसिकली दिल्ली से है तो हरियाणा और दिल्ली वालों को देखते हैं। क्या लगता है रजत जीत पाएंगे शो? भाई अपना जीतेगा, पूरा कॉन्फिडेंस है। एल्विस भाई भी साथ में है, सारे भाई साथ में है। आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई कंटेस्टेंट जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, पसंद कर रहे हो? अभी तो बग्गा को ही देखा है और रजत दलाल को देखा है, मेरे को लगता है कि टफ कॉम्पिटिशन होगा दोनों का। दोनों के बीच बग्गा कैसा लग रहा है आपको? अभी तो रजत भाई के सामने तो नहीं लग रहा कि कुछ है, जितना उनका कॉन्फिडेंस है, जितना उनका कैलिबर है, उसके हिसाब से लग रहा है कि वो किसी को भी बीट कर देंगे आराम से। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप जैसे बोल रहे हो कि दोनों ही टफ कंपटीशन है और दोनों के बीच ही घर आते ही लड़ाई शुरू हो गई, जैसे वो जेल में गए। सो आपने एपिसोड देखा था, क्या हुआ था? बेसिकली रजत भाई की जो एक बात हुई थी, जो उनकी वीडियो रिलीज हुई थी, सो उनके ऊपर बात करते करते रजत भाई को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था उनके ऊपर, शायद वो फैक्ट बोल रहे हो या फिर। एक बात बताओ, बग्गा ने बहुत प्यार से बोला ठीक है, तो रजत को आपको क्या लगता है ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था, गाली देनी चाहिए थी या नॉर्मल तरीके से भी उनसे बात करी जा सकती थी? मैं आपको बताता हूँ ना, उनका नॉर्मल तरीका ही है बेसिकली, यहाँ पे ना ऐसी बात करते हैं। गाली देना नॉर्मल है? गाली देना नहीं, मतलब थोड़ा हाइपर होना, हाइपर होके बात करना इज नॉर्मल फॉर यू? नॉर्मल हाँ, यहाँ पे मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस लोगों के साथ वो रहते हैं, तो इट्स लाइक नॉर्मल। तो मतलब सामने वाला अगर प्यार से बात कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं? आप किसी की टोन से आप ये पता नहीं लगा सकते, वो प्यार से बोल रहा है, नॉर्मल है, दिख रहा था सबको, बट वो नॉर्मल ही थे। तो मतलब वो ठीक था, गाली जो दी सही था आपके अकॉर्डिंग? ठीक है। सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रजत दलाल अपनी सिर्फ इमेज क्लीन करने के लिए गए हैं वहाँ पे? मेरे को लग रहा है वो क्लीन करने गया है, लेकिन क्लीन कर नहीं पाएगा, जैसा उसने पहले दिन ही रंग दिखाया ना, और खराब हो जाएगी। खराब ही हो जाएगी। अब आप गए हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बताओगे ना कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप इजीली समझा सकते हो, लेकिन आप भड़क करके हो, उसको गालियां दे करके और उसको धमकियां दे करके, बग्गा जो शांत इंसान है उसको आप गालियां दे रहे हो, आप उसको धमकियां दे रहे हो, घर वाले आपको रोक रहे हैं, तो मतलब इससे तो आप अपनी इमेज और खराब ही कर रहे हो, आप सही तो नहीं कर रहे। मेरे को तो ये नहीं लग रहा कि आप सही करने गए हो, तो हो सकता है कि आप खराब ही कर लोगे। और अच्छा अभी तक आपका कौन फेवरेट है? तो 15 मिनट का एपिसोड देखा है, इसमें क्या ही फेवरेट होगा, बस इसमें कोई तो होगा जिनको आप पसंद कर। जाना पहचाना चेहरा तो एक रजत दलाल ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना चाहते हुए भी वो बंदा दिख जाता है, ठीक है, तो जाना पहचाना चेहरा रजत दलाल है। एक आधे और चेहरे हैं जो जाने पहचाने हैं, ठीक है, करणवीर है जो कि खतरों का खिलाड़ी जीत करके आया हुआ है, उसके बाद वो विवियन डिसेना है, मेरी माँ मधुबाला देखती थी तो उस समय मैंने उसको देखा था, तो उस समय के कुछ कैरेक्टर्स हैं, और एक वो भी है शिल्पा शिरोडकर, तो इनसे कुछ थोड़ी अच्छी वाइब आ रही है रजत दलाल को छोड़ करके। अब देखते हैं, रजत को छोड़ के सबसे अच्छी वाइब आ रही है, सबसे ही आ रही है, क्योंकि अब पहला दिन है ना, तो पहले दिन सबसे अच्छी वाइब आती है। अच्छा सलमान खान के बारे में क्या बोलना चाहोगे एज अ होस्ट, वो कैसे लगते हैं?
गुड पर्सन, गुड पर्सन हाँ, तो इसके लिए उन्होंने कुछ किया है ऐसी बात नहीं, शादीवादी नहीं की, शादीवादी नहीं की, देश के लिए किया। शादी से बड़ी दिक्कत है आपको उनकी। इज द बेस्ट होस्ट ऑफ इंडिया एवर। Exactly. अच्छा, सलमान खान काफी टाइम से बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में, एज अ होस्ट वो कैसे लगते हैं? एज अ होस्ट तो एज अ पर्सन मैं बोलना चाहूंगा सलमान भाई बहुत अच्छे लगते हैं, एंड उनका नेचर जितना लोग बताते हैं, मैं तो नहीं मिला हूँ पर्सनली उनसे। एज अ होस्ट आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, मैं एज अ पर्सन, अगर कोई व्यक्ति एज अ पर्सन अच्छा है तो सब फील्ड में, आई थिंक। मैं एज अ होस्ट आपसे पूछ रही हूँ, एज अ होस्ट, एज अ होस्ट मैं कह सकता हूँ कि थोड़े से मेरे को अच्छे नहीं लगते, उनकी जगह पे कोई हो सकता था। कौन हो सकता था? जैसे पिछली बार अनिल कपूर ने होस्ट किया, तो वो आपको अच्छे लगे थे? नहीं, सलमान खान से तो बेटर नहीं थे, बट हाँ मेरे को लगता है कि वो जिस तरीके के एक्शन मूवीज वगैरह करते हैं, तो उनको ऐसा थोड़ा प्यार से बात करना अच्छा नहीं लगता। सलमान खान जी दोबारा से आ गए होस्ट करने, तो क्या बोलना चाहो? देखो, मैं बिग बॉस देखता हूँ तो मैं सलमान खान की वजह से ही देखता हूँ, ठीक है? ये जो आ रहे हैं ना, आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन ये बिग बॉस जो इतने लोगों के घरों तक पहुंचता है, वो मोस्टली सलमान खान की वजह से पहुंचता है, ठीक है? सलमान भाई जो है हमारे, आई एम हिज बिगेस्ट फैन, और इसी वजह से मैं देखता हूँ। देखो, वो प्रेजेंस देते हैं सैटरडे संडे, लेकिन जब भी देते हैं बढ़िया देते हैं और मज़ा आ जाता है।